टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की और टीजीटी पीजीटी की भी चर्चा करेंगे एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गया था और कुछ सूत्रों से मेरी बात हुई एलटी ग्रेड को लेकर के, प्रवक्ता भर्ती को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर के, जैसे एग्जाम कैलेंडर इत्यादि को। तो पूरी बात बताऊंगा, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला की इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर कोई कॉन्सेप्ट में नहीं आता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर चलते रहते हैं 24/7। किसी भी समय आप लोग अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। और तो और इसकी फीस भी बहुत कम रखी गई है। इस बीपीएससी 17वीं की फाउंडेशन फीस की जो बैच है वो मात्र 4,499 रुपए है और इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है जिसका नाम प्रथम है और बाइलिंगुअल जो बैच है उसका नाम है सक्षम 2.0। और इसी प्रकार से यूपीपीसीएस के लिए एक केवल प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च हो गया है जिसका नाम है आक्रोश। ये नया बैच है पीसीएस प्री के लिए जो 17 मार्च को होने जा रही है। इसकी जो फीस है वो मात्र 1999 रुपए है। इसमें भी आप लोग PSP500 का कोड लगा देंगे तो आप लोगों को 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। UPPCS के लिए हिंदी माध्यम का एक और बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से, जिसकी फीस 4,499 रुपए। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो HD मटेरियल और कोर्स है और एक्स्ट्रा जो अधिक जानकारी है वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर की ही, UPPSC एग्जाम कैलेंडर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ व्यस्तता है। इसके पहले जो आपका APS का एग्जाम था वो हुआ, पूरा स्टाफ वहां पर लगा था और वहीं पर अब इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू चल रहे हैं। और तो और जो चेयरमैन है संजय श्रीनेत जी, वो खुद इंटरव्यू बोर्ड में बैठ रहे हैं। मेरा चेयरमैन सर के बोर्ड में था और करीब 20-25 मिनट का ड्यूरेशन था पूरा और ओवरऑल ठीक रहा है। ज्यादा बहुत ज्यादा वो टफ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी के हाल में जो करंट अफेयर्स। तो ये इंटरव्यू तो मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सुना कि चेयरमैन खुद बैठ रहे हैं और यही कारण है कि अभी व्यस्तता है। जब तक ये साक्षात्कार चलेंगे तब तक आपका एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं होगा। और जैसे ही साक्षात्कार 12 तारीख को समाप्त हो रहा है और उसके बाद एक या दो दिन में 15 तारीख के आसपास जो बताया जा रहा है छुट्टी के पहले पहले आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आपके सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एग्जाम कैलेंडर में वैकेंसी होगी कि नहीं होगी एलटी की। तो जो जानकारी मुझे दी गई है, जो आज मेरी बातचीत हुई है सूत्रों के हवाले से, कि एलटी की जो भर्ती है वो रहेगी, प्रवक्ता की भर्ती इसमें रहेगी। इसी भर्ती को लेकर के संशय था और इसी वजह से एग्जाम कैलेंडर में देरी भी हो रही थी। तो निश्चिंत रहें, आप लोग अपनी तैयारी जो है करते रहें। शिक्षक भर्तियों का इस समय बहुत अच्छा हाल नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बेसिक की वैकेंसी हो चाहे वो हायर की वैकेंसी हो। बड़ी मुश्किल में एक अच्छी वैकेंसी जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश में आने वाली है। वैकेंसी के बारे में जानकारी भी दी गई है कि केवल कैलेंडर में ही नाम नहीं होगा, एलटी का विज्ञापन फरवरी के महीने में जारी भी हो सकता है। प्रबल संभावना है कि फरवरी के महीने में एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करने जा रहा है। और लेकिन एक बात और कहूंगा कि आप लोग दबाव बना रहे हैं, जिस तरीके से भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जहां पर भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाली बात हो चाहे वो पत्थर गिरजाघर वाली बात हो, दबाव बना रहे हैं। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बदलाव भी हो गया है, एलटी में बदलाव भी हो गया है, यानी कि अब प्री और मेंस दो परीक्षाएं होंगी। साक्षात्कार तो नहीं हो रहा है लेकिन प्री और मेंस हो रहा है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी। और वहीं पर GIC लेक्चरर की जो वैकेंसी है इसका भी नोटिफिकेशन जारी होगा जल्द और इसके बारे में भी आप लोगों को नोटिफिकेशन में जानकारी मिलेगी। और GIC लेक्चरर की वैकेंसी में भी बदलाव हुआ है। बदलाव इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब आप लोगों को मालूम चल जाएगा और एग्जाम के लिए आपको समय भी मिलेगा। और GDC का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जल्द देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जितने भी डिग्री कॉलेज होते हैं उसकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है, काफी दिन बाद ये वैकेंसी आ रही है। और बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर पूछते रहते हैं कि एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो अधियाचन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आया था
उसका क्या हुआ, उसके बारे में भी मैंने आज पूछा था और जानकारी यही दी गई थी कि इस समय बहुत सारी भर्तियों में बदलाव हुए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे वो स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो या इसके पहले पीसीएस की वैकेंसी में देख लीजिए आप लोग की ऑप्शनल को हटा दिया गया और उत्तर प्रदेश स्पेशल के दो पेपर जोड़ दिए गए। उसके पहले आपका जो इंटरव्यू है उसका जो नंबर है वो कम किया गया, बहुत सारे बदलाव हुए। उसी क्रम में इसमें जो संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है शासन के पास, उसमें अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाया है और ये भर्ती कम से कम 3-4 साल से लटकी हुई है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी, ये वैकेंसी एक बार 2007 के आसपास आई थी, 2006 या 7 के आसपास आई थी। तो उसमें अर्हता कम योग्यता जो उसकी होती है उसमें बदलाव के लिए भेजा गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है मुझे जो मेरी बातचीत हुई है उसमें यही बताया गया है कि यहाँ से कोई भी विज्ञापन रोका नहीं जाता है और जो बदलाव हुए हैं और बदलाव की वजह से जो जिस भर्ती के या तो वो विभाग होता है, विभाग उसको हल करता है, ये कार्मिक जो विभाग होता है वहां से अप्रूवल लेना होता है, कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से देरी होती है, नहीं तो यहाँ से कोई देरी नहीं की जाती है। और उसकी विज्ञापन के बारे में बता पाने में असमर्थता जताई गई और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि ये कब तक पूरा हो पाएगा। उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही शासन से अप्रूवल मिल जाएगा और जो उसमें योग्यता वाला जो विवाद है वो अगर समाप्त हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें मांगा जाता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसको निकाल देंगे। और बात करते कर लेते हैं अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक हो सकता है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति है, लेकिन मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो अभी नहीं हो पाएगा। और इसके जो सदस्यों की बात हो रही है, जो चेयरमैन की बात हो रही है, सबसे ज्यादा निर्भर इसी पर करता है कि इनकी नियुक्ति कब तक हो पाएगी। 15 तारीख तक तो इनके आवेदन होंगे और उसके बाद में छुट्टियां भी हैं, राम मंदिर वाला मामला भी है। 22 तारीख को शासन उसमें व्यस्त रहेगा, देखने वाली बात ये होगी इनकी नियुक्ति कब हो पाएगी। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि फरवरी लास्ट तक जो चेयरमैन और सदस्य हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं वो हो सकती हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है। और संशय इस बात को लेकर के भी है कि अगर फरवरी लास्ट में या 15 मार्च के पहले पहले आचार संहिता चुनाव की लग जाती है तब हो सकता है कि सदस्य और चेयरमैन की नियुक्ति भी ना हो पाए। और अगर इनकी नियुक्ति हो भी जाती है तो भी जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं करवा पाएगा। और उसका कारण ये है कि जैसे ही सदस्य और चेयरमैन जाएंगे फिर इनकी फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग के बाद में फिर इनका एक वेबसाइट बनना है नया शिक्षक सेवा चयन आयोग की अलग से, जिसमें चयन बोर्ड की वेबसाइट भी उसमें मर्ज होगी, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो हुआ करता था उसकी वेबसाइट भी इसमें मर्ज होगी और बहुत सारे बदलाव होंगे। इस प्रक्रिया में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे और इस और उधर बीच में आपके चुनाव भी हैं, चुनाव की भी व्यस्तता रहेगी। लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए ये सोच करके कि आपका एग्जाम कल ही है, पढ़ाई इस तरीके से करते रहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पद बहुत कम है और पद जुड़ने की संभावना भी बहुत कम है। तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के जो लग रहा है जो रवैया कि वो आपकी जो आपका जो एग्जाम है वो लास्ट मई या जून के महीने में हो पाएगा, कम से कम 4-5 महीने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को अभी लगेंगे। और ये तब हो पाएगा जब सदस्य और चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो अगर आचार संहिता के पहले पहले हो जाती है, और अगर आचार संहिता के पहले पहले यानी कि फरवरी तक अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती है या 15 मार्च के पहले इनकी नियुक्ति अगर नहीं होती है फिर आपका जो एग्जाम है वो कम से कम 3-4 महीने और लेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो फिर सितंबर और अक्टूबर तक जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को जो दबाव है वो बनाना पड़ेगा, अधिक से अधिक आप लोग दबाव बना रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें।